future judges, this is Pahuja Law Academy. I am Sumedha Maheshwari and today we are going to discuss certain important questions from the POSH Act 2013. Ji haan, POSH yani ki Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. Ye act na sirf जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि सभी वर्किंग वुमेन्स के लिए भी जानना इम्पॉर्टेंट है. बट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. तो सेक्शन 2N जो है वो आपको सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन बताता है, किस तरह के फिजिकल एडवांसेस और कॉन्टैक्ट्स हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होते हैं, किसी तरह का कंडक्ट जो है जिसका नेचर सेक्सुअल है, पोर्नोग्राफी दिखाना किसी भी वुमेन को, एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की, तो वो जो है आपका सेक्शन 3 में डील किया गया है. जहाँ पर बात प्रिवेंशन की हो रही है वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड या उसके कनेक्शन में भी अगर कोई एक्ट किया जा रहा है, किसी वुमेन से कहा जा रहा है कि आपको डेट्रिमेंट फेस करना पड़ेगा अगर आप सेक्सुअल फेवर नहीं देंगे, या फिर आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, या फिर आपके लिए वर्क की जो अपॉर्चुनिटी है वो बंद हो जाएगी, इस तरह के इसके रिलेशन में जो भी दूसरे कंडक्ट किए जाते हैं वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही इंक्लूड किए गए हैं. तो ये जो है आपका सेक्शन 3 में प्रोवाइडेड है. आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. हु इज एन अग्रीव वुमन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अग्रीव वुमन अंडर द पॉश एक्ट 2013. तो अग्रीव वुमन कौन है, सिमिलरली ये आपको फिर से जो डेफिनेशन क्लॉज है वो बताएगा, लेकिन राइट्स जो हैं वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है. तो आपको पूरे एक्ट को पढ़ करके उसमें से जो है निकालना होगा कि कौन कौन से जो है राइट्स अवेलेबल है टू एन अग्रीव वुमन. तो उसमें पहला राइट जो आता है वो है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर अ कमिटी, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वो फाइल करने का राइट रखती है. फिर वो एक राइट रखती है कि जो भी कंप्लेंट पेंडेंसी में चल रही है उसके दौरान उसे कुछ रिलीफ्स प्रोवाइड करवाए जाएं. तो कंप्लेंट की पेंडेंसी में कुछ इंटरिम रिलीफ्स हैं जो सेक्शन 12 एक्ट के आपको बताता है, वो इंटरिम रिलीफ पाने का भी राइट है उस वुमन को. और साथ ही साथ ये अग्रीव वुमन के पास में कॉम्पनसेशन का भी राइट है. तो कॉम्पनसेशन जो है वो मांग सकती है सेक्शन 15 में. और उसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो कि है राइट टू प्राइवेसी. वो आपका सेक्शन 16 ये बताता है कि प्रोहिबिशन है किसी भी तरह के पब्लिकेशन पे. अगर कंप्लेंट उसने फाइल की है तो उसको पब्लिक करना जो है वो अलाउड नहीं है. तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से इसके ऊपर आप एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अंडर द पॉश एक्ट 2013. तो जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 4 जो है एक्ट का वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी की बात करता है. उसमें एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कंप्लेंट्स कमेटी बनाना, और किस तरह वो किन किन लोगों को नॉमिनेट करेगा. सीनियर मोस्ट जो वुमेन ऑफिसर एम्प्लॉयड है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी इस कमेटी की, और जो अदर मेंबर्स हैं उन्हें कहाँ से किस तरह नॉमिनेट करना है वो डिटेल्स भी आपको सेक्शन 4 में दिए गए हैं. और साथ में ये भी बताया गया है कि एटलीस्ट 50% मेंबर्स जो हैं इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के वो फीमेल मेंबर्स होने चाहिए. तो इस तरह सेक्शन 4 को यूज़ करके आप इसके ऊपर एक अच्छा आंसर बना सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी. तो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की जब बात की जाती है तो सेक्शन 6 जो है वो हमें यूज़ करना है. सेक्शन 6 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी इस्टेब्लिश करता है किस तरह तालुका लेवल के नोडल ऑफिसर्स या ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को जो है इस कमेटी में डाला जाएगा. और उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए ये कमेटी बनाई गई है जिनके पास में 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं. तो अगर वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है तो वहाँ की जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं. या फिर अगर किसी अग्रीव वुमन की कंप्लेंट खुद एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही है और उसे लगता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी उसका मामला ठीक से जाँच नहीं कर पाएगी, तो भी वो डायरेक्टली लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास में आ सकती है. तो इस तरह आप सेक्शन 6 को यूज़ करके ये आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर अंडर द पॉश एक्ट 2013. तो जब एम्प्लॉयर की ड्यूटीज की बात की जाती है तो आपका सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पर आपको सारी ड्यूटीज जो कि एम्प्लॉयर की हैं वो एन्यूमरेट किए गए हैं, किस तरह सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है वर्क प्लेस में, किसे प्रिवेंट करना है, किस तरह फीमेल एम्प्लॉयज को इसके लिए मोटिवेट करना है, किस तरह
यहाँ पर आपको ड्यूटीज़ में ये भी बताया गया है कि जब कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसी कंप्लेन को देख रही होती है या लोकल कमेटी कंप्लेन को देख रही होती है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिलेटेड टू द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को, रिस्पोंडेंट को उन कमिटीज़ के सामने प्रेजेंट होने के लिए भी जो है ये एम्प्लॉयर फैसिलिटेट करेगा। साथ ही अगर वो अग्रीव वुमेन कोई आईपीसी के ऑफेंस की एफआईआर फाइल करना चाहती है तो वो भी ये एम्प्लॉयर फैसिलिटेट करेगा। इसके साथ ही और भी कई ड्यूटीज़ हैं जो आपको यहाँ पर दी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर द पॉश एक्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट। तो सेक्शन 9 जो है आपको बताता है कि सेक्शुअल हरासमेंट के इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट फाइल करनी होती है, और किस तरह फाइल करनी होती है वो चीज़ें आपको सेक्शन 9 बताता है। उसके बाद में किस तरह इंक्वायरी की जाएगी, ये जो प्रोसेस है ये आपको सेक्शन 11 में मिलेगा। तो इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में पढ़ करके आप इसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप इसमें जो पेंडेंसी के दौरान जो अग्रीव वुमेन को जो भी राइट्स मिलते हैं उनकी बात भी आप कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज डिस्कस द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द पॉश एक्ट 2013। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैं उसके भी कुछ पावर्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। दे हैव टू मेक श्योर कि जो प्रॉपर तरीके से एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रहा है। सो यू हैव टू रेफर टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द पॉश एक्ट 2013 फॉर फ्रेमिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।